नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया और आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया कि चीज़ें जो है यहां पे बिल्कुल ऑथेंटिक आपको बताई और समझाई जाती है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो लोग भी आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जी हाँ, अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रेपरेशन कर रहे हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो आपके लिए खुशखबरी है। इंतज़ार की जो घड़ियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही विजिट करोगे, यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो, AWESIndia.com। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट का ये होम पेज है, यहाँ से आप देख सकते हो होम पेज। और यहाँ पे देखिए, ये जो कोने पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है, इस जगह पे आपको दिख रहा होगा कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। कब? लास्ट दिसंबर में या फिर फर्स्ट जैन, यानी कि पहला वीक जो होगा जनवरी का, उसमें आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और इस महीने के अंत या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। यहाँ पे लार्ज नंबर पे रिक्रूटमेंट आएगी, लगभग 5 से 6 हज़ार रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर आपने सिर्फ बीएड किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट की ज़रूरत नहीं है। जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे तो सीटेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीटेट को अभी हम लोग एज ऑफ नाउ जो है उसे क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। बाद में आपको सीटेट का सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे सबमिट करना होगा। और कई कई जगहों पे ये देखा जाता है कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है ना, आप जब वहाँ पे जॉब करते हो तो विद इन टू ईयर्स आपको जो है सबमिट करना पड़ता है सीटेट, आपको क्वालिफाई करके वहाँ पे ऑफिस में आपको अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बताऊं आपको आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में, तो दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा इनसाइट दे देता हूं। सबसे पहली बात, आपका जो CDP है वो आपसे पूछा जाएगा। CDP इंग्लिश के पैसेज और idiom फ्रेज या फिर जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं देखने को मिलते हैं नॉर्मल टीचिंग एग्जामिनेशन में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे पूछा जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी भी यहाँ पे, यानी कि रीजनिंग पूछा जाएगा। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फुल फॉर्म तो एक आएगा ही आएगा, तो कंप्यूटर की भी तैयारी आप कर लें। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक दो जो है डिफेंस सेक्टर के GK भी आपको देखने को मिलेगा, और नॉर्मल GK यहाँ तो देखने को मिलता ही है। तो ये सब आप कर लो, करंट अफेयर्स भी कुछ पूछा जाता है। तो इन सारे चीज़ों को अगर आपने कर लिया तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आप पास कर सकते हो। देखिए, नेगेटिव मार्किंग होगी और 90 नंबरों का क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले साल तक 90 नंबरों का क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसमें आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स लाना होगा। और यह एग्ज़ाम जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर आपने 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और चारों रॉन्ग हो गए तो आपका 1 मार्क्स जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। और कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, कोई सवाल है, तो आप मुझसे यहाँ से, देखिए मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी यहाँ पे, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे भेज सकते हो। अगर इंस्टाग्राम पे हो तो dofollowme@imithunsingh, वहाँ पे भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी आपका डाउट है तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब देखिए, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी करने के लिए मत जाना, आपको तैयारी पहले से करनी होगी। और पहले से तैयारी करने के लिए चाहिए होगा आपको एक तगड़ा सा एक्सपीरियंस्ड आदमी से, जो नोट्स बनते हैं ना एक टीचर से, वो आपको चाहिए होगा। तो अगर एक्चुअली आप मेरी यहाँ से सर्टिफिकेट भी देख सकते हो, मैंने ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया हुआ है। पिछले दो तीन साल पहले मैंने ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया था और आर्मी स्कूल में भी मैंने सर्व किया है। तो अगर आप मुझसे मेरे द्वारा जो नोट्स बनाए गए हैं आसान भाषा में वो परचेज करना चाहते हो तो ईमेल कर लीजिए, मैंने जो आपको ईमेल आईडी बताया, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल करके। इंस्टाग्राम पे @imithunsingh पे आप मुझे फॉलो करके भी नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप ले सकते हो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है ईमेल के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से दे दी जाएगी। तो सारी तैयारियों को आप जारी रखें। नोटिफिकेशन की डेट भी आपको बता दी गई है, एग्ज़ाम की डेट भी बता दी गई है, तो किसी भी डाउट में या फिर इल्यूजन में नहीं रहना है आपको। सारी चीज़ें को जो माइंड को है ना क्लियर में रखना है आपको, एग्जामिनेशन आपका होगा। एक और बात, बहुत सारे जगहों पे एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाते हैं, तो आप अपने नज़दीकी शहर में या फिर किसी
जो भी वहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट हो वहाँ पे भी एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तैयारी करते रहें। आप सभी को ऑल द बेस्ट है, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।